कृषि और कृषक उन्नति पाई बीजेडी सरकार सर्वा सर्वदा मिछ डिडी पिटुवा बेले बर्तमान चाषी कूल हताश हो पड़ी जपर देखा जा विभिन्न पंचायत एपर्त धान उठी पड़े चाषीर उत्पादक मूल्य वृद्धि हो पार ना चाषी विशेषकर धान जो पड़ी टोकन व्यवस्था अव्यवस्था करान एपर्त पड़ी मंडी में पड़ रही उठी पार ना जहाँ को लेकिन बारंबार चाषी संगठन पक्षर और चाषी मान तरफ बारंबार यह सरकार दृष्टि आकर्षण कर जिला प्रशासन सहित दृष्टि आकर्षण कर आलोचना किंतु तार किसी सुफल मिल पाने जहाँ को लेकर गत दुई दिन तेज नवनिर्माण कृषक संगठन पक्षर जगत सिंहपुर जिलापाल कार्यालय सम्मुखें गणधारणा दि जाता किभली भाव में ये जो अनियमितता करा जो चाषी मान प्रकृत हक मिल पार नहीं उत्पादक सामग्री मूल्य मिल पार नहीं जो फनी बात्या हो कि जो अंफान बात्यार क्षय क्षति तापर्तंत वर्णना कर चाषी संगठन पक्षर बारंबार यह विरोध कर सत्य एपर्त सरकार यार किसी व्यवस्था करम पाखे अच्छा नवनिर्माण कृषक संगठन राज्य संयोजक अच्छा जे कि गत किसी दिन हम चाषी मान प्रति जो सरकार वैमातृक मनोभाव रही विशेषकर धान संग्रह एपर्तंत हो पारा ना यहाँ को कौन कह देखो खरीफ धान संग्रह व्यवस्था गोटे विकेन्द्रित व्यवस्था जरिए चलने सरकार सब कहले कि देखाला जो समय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण भितर को चाषी मैंने आसिले से केते लोक चाष पंजीकरण कले केते जमीजमा प्रकृत तंकर भेरीफाइड है ये कथा भाव सरकार स्पष्ट कले ना अर्थात चाषी मैंने जदि जगत सिंहपुर जिला क्षेत्र में आम देखा जगत सिंहपुर जिले 30,582 जन चाषी पंजीकरण होते भितर कहगला मानने भेरीफाइड करा 30,202 जन कि 30,202 जन के धान बिक्री करेंगे केते जमीजमा तक सर्टिफिकेट दरज कराला ए बाबद कौन प्राप्ति शिखर दिगला जो कथा सब मौलिक त्रुटि है चाषी मान अंधकार रखाला विकेन्द्रीकरण व्यवस्था करके टेकन व्यवस्था को केन्द्रीकरण कराला बर्तमान सुधा देखा जा 30,202 जन बर्तमान सुधा चाषी मैंने विशेष करी कह 26,912 जन चाषी धान बिक्री कर आउ तीन मानने 3,290 जन चाषी धान बिक्री करना ताकि 72,000 क्विंटाल ऊर्ध धान एवं बड़का बिक्री योग्य धान पड़ी रही एभली एक अभावन परिस्थिति सत्वे चाषी मानने कोरोना आड़े हो 28 मार्च सरकार जो सरकारी मंडी के बंद करदे परे कौन व्यवस्था कले सब चाषी बड़का धान जापर आम कह रखा चाहूँ जगत सिंहपुर जिले में कृषि विभाग तथ्य कौचे जे 20 लक्ष ऊर्ध क्विंटल धान उत्पादन एवं 15 लक्ष पखापाखि धान बड़का बिक्री योग्य धान किंतु वर्तमान सुधा 12 लक्ष क्विंटल भाया धान जा आउ जो 3,290 जन चाषी दे पारना धान तेरे 72,000 क्विंटल टोकन सरकार अथच तांकर नियम अनुजाई से धान को उठे पारे ना जो असंतोष आज तेजी गाँ गंडा धान अभाव बिक्री शिकार होती लोक एवं सरकार एपटे कौन 23,44 उत्पादन खर्च हो स्वामीनाथन कमिटी केन्द्र सरकार गवर्नमेंट अफ इंडिया विधि व्यवस्था भितर कौन 1.5 गुण लोक पाइबा कथा कितु ये साधारण भाव में 1,815 टाँग चाषी पारे ना 465 टाँग अभाव बिक्री शिकार हो चलते एवं सुधा 72,000 क्विंटाल टोकन प्राप्त चाषी अपेक्षा कर रही केमी धान व्यवस्था हम और धान उठे जहाँ आमको चाषी संगठन कहते जे कि एपर्तंत सुधा बहु चाषी एपर्त धान दे पार ना कि मंडी में धान पड़े जहाँ पाखे जो चाषी रही कि भाव जो बर्तमान आप चाषी हिसाब से कहे धान मंडी में पड़ रही सरकार तरफ किसी व्यवस्था कर हटात मंडी बंद कर दिगला या कौन कह तो पैक्स मैंने संग्रह कर पैक्स मैंने रोल किसी ना एर मैंने मुख्य रोल कर मैंने मिलर मैंने सरकार कंट्रोल हो नहीं से सरकार जो मेसनारी अच्छी तरह किसी कंट्रोल हो नहीं बड़ कथा जो मूल्यटा दि जाऊँगी 1,815 टाँह दि जाऊनी काट छट करल 3 क्विंटाल लेखा काट नौ आज गुड़ाक खराब धान अच्छा कर बड़ कथा जो मूल्यायन सरकार जो 1,815 कले बर्तमान 53 टाँग बढ़े यहाँ केमी कौन कौ धारा विधानसभा समस्त सर्वदलीय मत प्रकाश कले 2340 टाँग क्विंटाल प्रति खर्च हो बिक्री हवा कथा 2830 टकर तेल सरकार कौन निज कथा निजे कंट्राक्ट कर 2340 टा जो खर्च करुँच तार चाषीटा केमी 1,815 पाइब आप स्वामीनाथन कमिशन कहे जीत खर्च हे तार 1.5 गुण से पाइब खर्च जदि 2340 तार 1.5 गुण के 3536 टाँग पाइबा जगह तार अधा से पाँच चाषी केमी कर 60 दशक जो भारत वर्ष
माने आपण दस गुण बर्तमान दस भाग भागे उत्पादन होता आमेरिकार आसाला आप कृत्रिम चावल ये से लोक आत्महत्या करते बर्तमान शहे गुण अधिका होकर आत्महत्या कर सरकार स्वीकार करना कहीं आत्महत्या कर धाना जो डिस्ट्रेसल हो नष्ट प्राकृतिक विपर्य है तेनाली सरकार चाषी मान प्रति प्रकृत में ध्यान दौना गोटा खाली कुमीर कांदा काटुच्च चाषी की संपूर्ण भाव अवहेलित करते फिल्ड और फैक्ट्री या भितर जो डिफरेन्स रोचे फैक्ट्री उठी उठी जाऊँच फैक्ट्री कम कर्मचारी उठी उठी जाऊँच मालिक उठी जाऊँची कौन तौल तौल जाऊँच से स्वावलम्बी हो पारे चाषी की परावलम्बी करदे जहाँ आमको कहते चाषी एपर्यंत स्वावलम्बी हो पारे सरकार तरफ कौन व्यवस्था कराषी की सब सरकार अणदेखा करते आम पाखे जो नड़ुआ नेता अच्छा चाषी पु हिसाब से किभली भाव में सरकार आज पर्यटन जो धान सहायक मूल्य वृद्धि करेंगे चाड़ूर नीति अवलम्बन करती अखा पैसा ठीक से मिलूनाई और टोकन जो व्यवस्था करा ठीक भाव में कराइपन या को लेकिन कौन रही है मतामत चाषी हिसाब से आज्ञा देखु बहुत प्रचार चलती सरकार मानक बहुत गुण कीर्तन चली वास्तव क्षेत्र में जो गणतंत्र प्रतिष्ठा कराला गणतंत्र उद्देश्य रोचे जो गण मान समस्या को समाधान करवा यहाँ हूँ प्राथमिक कर्तव्य सर्ट कर सतुरी भाग चाषी सर्ट कर सतुरी भाग चाषी ये चाषीर धान कि व्यवस्था करानी धान प्रकृत मूल्य दि जा पार्लाना तेल सरकार थी कौन कर प्रशासन थी कौन कर गोटे प्रश्न कौन सरकारी कल चल जो पैक्स हो जो सोसाइटी स्तर हो ग्रास रूट जो धान किणा जाऊँच से एभली भाव में राजनीति चली सरकार केवल घोषणा करदेवे तार कर्तव्य सीमित बोली एति से भावी घोषणा करदे कान को भल शुभुचर सरगला कम सरगला तल स्तर में कौन हो समस्या कौन हो समाधान करने जब टिके आग्रह प्रकाश करेंगे तेल ये समस्या समाधान हो पड़े जो धान प्रकृत मूल्य मिल पार टोकन व्यवस्था सहज हो पारे यहाँ गोटे आदम बड़ कथ नुहे केवल एम अनाग्रह जो केवल पुंजीपति कम करोटी भोटपाई कौटी करपसन इन्हें कम कर मुंड चाषी समस्या समाधान करने आदम मुंड ना यहाँ प्रमाणित जी जहाँ कहते आमको सरकार अणदेखा जो रोचे चाषी मान प्रति जहाँ को लेकिन चाषी मान समस्या वृद्धि पाया व्यतीत समाधान आम पाखे आज जो चाषी अच्छा कि भाव सरकार जहाँ घोषणा करी पार नहीं कौन कह देखु जे सरकार सबले कहते आम चाषी पर किसी कम करूँ आज भी कोरोना आक्रांत सारा पृथ्वी जो आक्रांत से प्रोत्साहन थिला बेले चाषी पे प्रोत्साहन नहीं अन्न ऑफिस आसवाप बंद अच्छी किंतु चाषी की बिल को जीवाई मानने उत्साह दिया दिहे चाषी बिल को जाऊँगी चाषी जहाँ उत्पादन करोना आक्रांत मैंने समस्ते खाई पी बचुंट कि स्थले धान क्विंटाल पिछा 53 टंका बढ़ला जहाँ गोटे मिल गोटे मनीष खाइबार गोटे मिल मिलर मूल्य तेणु ये गोटे दुर्भाग्यजनक कथा ये उठी चाषीपाई एवं रबि खरीफी धान उठी पार्लानी कि जगत सिंहपुर जिले में गोटे दुर्भाग्यजनक कथा जे रबि ऋतु जो अन्य जिला मानक धान उठू मंडी किंतु जगत सिंहपुर जिले में आज से व्यवस्था ना तेणु आम दाबी करूचु जे आगामी दिन में रबि ऋतु भी धान उठापी ये मंडी प्रस्तुत करा जाओ एवं चाषी धान किणागले चाषी मैंने उपकृत हे कहीं चाषी मानक ये जो हताश बर्तमान जो 4000 चाषी धान दे पारिनाहांती से माने जो हताश होती धान बिक्री कर पारिनाहांती पिला छुआ खर्च बार्च ये कोरोना समय बड़ हैरान हरकत कि धान गुड़ाक जहाँ बाकी अच्छी से धान सब उठाप दाबी करूँ जहाँ आमको नवनिर्माण कृषक संगठन नेतृत्व अच्छा सहित चाषी मैंने अच्छा जहाँ कहते हैं किभ सरकार जहाँ कहते हैं कार्यकारी कर बात्या अंफान पर कोरोना महामारी जिते बड़े प्रपीड़ित लोक मैंने हाहाकार भितर रही से चाषी कि धान बिक्री हूँ तो परिवार जिते बड़े रोजगार पंथा बंद होते चाषी जब धान बिक्री कर से पैसा हूँ तो परिवार को चल पार कि सरकार तार किसी व्यवस्था करना गत किद ते जो बारंबार आंदोलन पर सरकार पुणी किसी दिन मंडी खोलिया व्यवस्था करपर्यंत फलप्रद नहीं आम पाखे आज जो चाषी अच्छा किभली भाव में ये जो सरकार घोषणा कर पुणी मंडी खोल कि प्रकृत में यह के सचेता रोच गोटे खरीफ सीजन पूर्व ठीक जुलाई अगस्त मसी रेजिस्ट्रेसन करंदाजे कितु चाषीटा अपेक्षा करान तली पकया समय जो रेजिट्रेसन है से अपेक्षा करती धान गंडे अमल कले बिकव धान अमल कला डिसेंबर नवेम्बर डिसेंबर मसरे कि आज आसीगला जून मस अधा है तेल चाषी धान बिक कौन पुणी चलित जो खरीफ ऋतु से किमी चाष कर पैसा आणव कौटू से जो करज कर ऋण आनी कि कौ एस एच जी ग्रुप आनी तो आज पर्यटन सुझी पार्लानी तेल चाषी बर्तमान चाष करमी
ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଏଇଟା ଜଳ ଜଳ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ଚାଷୀ ଇଏ କରୋନା ସମୟରେ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଦେଶରେ 130 କୋଟି ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଆମେ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଲୋକ ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରପିଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 2.5 ମାସରେ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ବିଲରେ କିଛି ରହିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଖରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି, ହୁଏତ ବିକ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରବି ଋତୁ ଆସିଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଚାଲିଛି, ବାତ୍ୟା ଅମ୍ପାନରେ ଯାଇଛି, ଗତ ଫନିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନି। ଏ ଯେଉଁ ଧାନର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଯେଉଁ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା, ଏହାକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ଚାଷୀ କୂଳ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ମାନସ କାନୁଙ୍କୁ ଦିଅ ଅର୍କ ଚଳିତ।